Hey guys, this is Aman and yaar aaj hamare paas ek question hai and the question says that an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed will be. तो ये एक NCERT का question है and the question में हमारा given है voltage जो कि 220 volt है और हमारी जो power है वो 100 watt है, ठीक है. तो basically यार देखो, अभी हमने just में power सब power के बारे में पढ़ा है. power तो power का हम लोग formula जानते हैं, what P is equal to V square by R. अब एक बात बताओ, P is equal to V square by R से क्या हम लिख सकते हैं R is equal to V square by P. मैंने क्या क्या P को भेज दिया RHS में और R को हम ले आए LHS में, ठीक है. अब इसका हम यूज करेंगे. अब पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं. तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R is equal to वोल्टेज कितना है 220 into 220 के स्क्वायर है डिवाइडेड बाई पावर दिया हुआ है हमारा 100 वाट. तो 220 into 220 डिवाइडेड बाई 100 तो क्या आ जाएगा वैल्यू 484 ओम. एक बात बताओ, आपका सर्किट तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो सर्किट चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो मतलब सेम होगा ना. सो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिक्स्ड. यार अब बल्ब को थोड़ी बार बार निकालोगे और लगाओगे तो मतलब वो तो फिक्स है ना. तो यहीं से हम क्या करेंगे ना, आप एक बार और हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां पे क्या करेंगे ना, हमें पावर कंज्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस बार डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लगाएंगे. सो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. अब वोल्टेज तो हमें गिवन है, कितने पर निकालना है हमें 110 वोल्ट. तो P इज इक्वल टू 110 इनटू 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस फिक्स है व्हिच इज नथिंग बट 484. तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यू गॉट द वैल्यू 225 वाट. तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी. ओके.